This is Minecraft Ancient Island. Only small percent people can watch my video, actually subscribe. If you enjoy this video, you can subscribe. It's free. You can always change your mind later. Enjoy this video. All right, हम लोग अपने वर्ल्ड में ज्वाइन हो चुके हैं और यहाँ पे देखो विलेजर यहाँ पे सो रहा है. ए विलेजर सो रहा है क्या? गजब बेइज्जती है. हाँ भाई सो रहा हूँ. अब चलो हम लोग यहाँ पे चेस्ट में आ चुके हैं. अगर मैं एक विलेजर को लेके एक थ्योरी बताऊँ तो ये थ्योरी ये है, पहले यहाँ पे चीजें रख देते हैं और यहाँ पे हीरो ब्राइंड का चाचा भी आने वाला है. अच्छा यहाँ पे हीरो ब्राइंड का चाचा आ चुका है. अब यहाँ पे मैं विलेजर को लेके एक थ्योरी बताता हूँ. बंद करो हाथ जोड़ के. थ्योरी नहीं जो बात है वो बताता हूँ कि विलेजर को जब कोई माइनक्राफ्ट प्लेयर सवाल करता है कि क्या फेयर ट्रेड करने वाले हो तो उन लोग बताते हैं फेयर ट्रेड वो क्या होता है. वो सब चीटिंग करता है तू. चीटिंग 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 करता है तू. ट्रेड करते हैं ऐसा 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 कुछ. एक विलेजर ट्रेड के लिए विलेजर ट्रेडर के लेके एक कहानी है जो मैं आप लोगों को अभी सुनाने वाला हूँ, तो सुनो. एक दिन मैं एक विलेजर में गया. विलेजर बोल रहा हूँ. मतलब आपको मत सिखा गया था. और विलेज में जाने के बाद एक विलेजर मिला. वो विलेजर मुझे बुलाया. विलेजर बुलाने के बाद मुझे बोल रहा था कि तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं, मेरे साथ एक ट्रेड कर जाओ. मैंने बोला कैसा ट्रेड? तो उसने बताया कि मुझे आप 10 डायमंड दो, मैं आपको एक स्टिक दूंगा. एक 10 डायमंड के बदले एक स्टिक देगा, ये तो हमें मोर बनाने की ट्राई कर रहा है. उसके बाद क्या हुआ? मैं उसके जाल में नहीं फंसने वाला था इसलिए मैंने वो नहीं लिया. लेकिन वो विलेजर मुझे बार बार लेने को बोल रहा था. वो बोल रहा था कि ये ऐसा स्टिक है जो आपको लग देता है. बंद करो हाथ जोड़ के. वो देता है ऐसा सब कुछ आपको मिलेगा. उसको सब कुछ आपको मिलेगा वो बोल रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया. अब वो विलेजर सोच रहा था इसको इस ट्रिक से तो काम नहीं चलेगा, अब कुछ दूसरा ट्रिक अपनाना पड़ेगा. तो उसने मुझे दोबारा बोला कि आप मुझे 64 डायमंड दो, मैं आपको एक आलू दूंगा. चुप, बिल्कुल चुप. हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? और इस आलू के अंदर बहुत सी शक्तियां हैं. फिर से हमें मोर बनाने की ट्राई कर रहा था लेकिन फाइनली नहीं हुआ. इसे बोलते हैं विलेजर, लेकिन इतना डंब होता है विलेजर, पता नहीं था. गजब बेइज्जती है. कैसे मोर बनाने लगता है वो भी उसको पता नहीं है. डंब विलेजर. आप यहाँ पे देख सकते हो मैं विलेज से यहाँ पे आ चुका हूँ अपने केप के अंदर. आप हम लोग केप के अंदर घुसेंगे. केप के अंदर मुझे एक क्रीपर प्रोटेक्शन स्क्वाड लेना मतलब क्रीपर का प्रोटेक्शन स्क्वाड लेके आना चाहिए था कि नहीं आया. चलो अब जाते हैं इसके अंदर. यहाँ पे हम लोग आयरन ढूंढने के लिए पहले जा रहे हैं. बाद में अगर डायमंड मिला तो भी हम डायमंड को भी लेंगे. लेकिन यहाँ पे नीचे आने के बाद मेरे साथ तो धोखा हो गया. यहाँ पे कुछ नहीं है. नहीं 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 सामने कुछ है. और यहाँ पे मुझे माइंड शॉफ्ट दिखता है. तो हम लोग इस माइंड शॉफ्ट के अंदर घुस जाते हैं. इस माइंड शॉफ्ट के अंदर यहाँ पे डेड एंड है, तो दूसरी तरफ से हमें जाना पड़ेगा. दूसरी तरफ से हम लोग जाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है. यहाँ पे नहीं उठ पा रहा हूँ. यहाँ पे मुझे कोल मिला. मुझे कोल भी चाहिए क्योंकि मेरे पास एक भी कोल नहीं है. यहाँ पे मैंने कोल कलेक्ट कर लिया. अब यहाँ से स्टिक बना लिया जो मुझे 10 एमरेल्ड में वो विलेजर मुझे ट्रेड करने वाला था. विलेजर तो हमें लूटने की ट्राई कर रहे हैं. विलेजर बहुत स्मार्ट होने की ट्राई करता है लेकिन स्मार्ट हो नहीं पाता. नूब विलेजर. यहाँ पे कॉपर है लेकिन कॉपर की कोई ज़रूरत नहीं है. अब हमें यहाँ पे आयरन मिल चुका है. अब यहाँ से हम लोग आयरन कलेक्ट कर लेते हैं. यहाँ पे आयरन मिल चुका है. पास से बैट घूम रहा है और बैट की तरफ हम लोग नहीं देखते. चलो हम लोग यहाँ से आयरन कलेक्ट कर लेते हैं. और यहाँ से ग्रेवल सब गिर गया है. अब हम लोग यहाँ से जंप कर देंगे और यहाँ पे सब आयरन कलेक्ट कर लेंगे. और यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जब मैंने विलेजर को लेके इतना कुछ बता दिया, एक और फैक्ट बताता हूँ. जैसे घोड़ा फैक्ट या शायरी बताऊँ? विलेजर को लेके फैक्ट बताने से अच्छा एक शायरी बता देता हूँ. तो सुनो. सूरज उठता है ईस्ट की तरफ से और घोड़ा सोता है. भाई शायरी नहीं हो रही. गुरु को फिर से ट्राई करता हूँ. तो चलो फिर से ट्राई करते हैं. सूरज उठता है ईस्ट की तरफ से, घोड़ा सोता है एक पैर पे. नहीं, फिर से बताता हूँ. सूरज उठता है ईस्ट से और घोड़ा सोता है एक पैर पे खड़े होके. विलेजर इतना डंब होता है कि वो सोता है आँख खुला रख के. ना, इसमें भी थोड़ा मजा नहीं आया. एक और बार ट्राई कर.
तो चलो एक और बार ट्राई करते हैं। सूरज उठता है ईस्ट की तरफ से, घोड़ा सोता है पैर पे खड़ा होके। सूरज उठता है ईस्ट की तरफ से, घोड़ा सोता है पैर पे खड़ा होके। विलेजर इतना डम होता है कि वो सोता है एक आँख खुला रख के। हाँ हाँ, अब चलो फिर विलेजर के, विलेजर को इतना रोस्ट कर रहा हूँ फिर से कि एक और चीज़ बता देता हूँ कि विलेजर का नाक इतना लंबा होता है कि हमारे अंदर का जो न्यूरॉन का जो सेल है उससे भी विलेजर का नाक बहुत बड़ा होता है। अब चलो हम लोग सामने आयरन यहाँ पे माइन कर लेते हैं। आयरन के बाद हमें यहाँ पे बहुत सारा लैपिस लेजुली भी मिल गया, लेकिन यहाँ पे बैट मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो अब सामने स्पाइडर दिखा, लेकिन वहाँ पे मैंने बाद में जाके देखा कुछ भी नहीं। अब हम यहाँ से डायमंड माइन कर चुके थे। डायमंड माइन करने के बाद हम लोग यहाँ पे अब जाएंगे और डायमंड माइन करने, और यहाँ पे और डायमंड माइन भी कर भी लिया था। अब मैं आसपास ढूंढ रहा हूँ कि और अगर डायमंड मिल जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद हम लोग यहाँ से इसको मार दिए हैं, और उसके बाद स्केलेटन को फिर से हम लोग मार देंगे। मर जा स्केलेटन, इसका नाम चंपू दास रखना पड़ेगा स्केलेटन। तो यह मर चुका है। अब हम लोग इधर उधर एक्सप्लोर करके देखते हैं, और यहाँ पे हमें स्पॉनर मिल चुका है, और यहाँ पे हमें इसको मारना है। तो इसको मारना है। मार मार मार, मर जा साले मर जा। नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे ये तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बार बार स्पॉन होगा। यहाँ पे आप मुझे भागो, मेरे पास बहुत ही कम हार्ट है। अगर मुझे भागना पड़ेगा भागना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मैं गया। नहीं 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 नहीं, गया नहीं गया, बच गया। यहाँ पे हीरो ब्रांड का चाचा ऊपर है, उसको जाके मारना पड़ेगा इस चाचा को। तो यहाँ पे मैं अब चलो इस हीरो ब्रांड के चाचा को मारते हैं, और हीरो ब्रांड का चाचा हीरो ब्रांड के चाचा को मार दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ से सोना चोरी कर लेते हैं, लेकिन नहीं लेंगे, सोना की ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि हम दोबारा इस केब के अंदर फिर से आने वाले हैं, तब जाके लेंगे। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा भी लैपिस लाजुली है, और भी चाहिए के लिए। मैं बाद में आऊँगा ऑफ कैमरा के अंदर। यहाँ से पहले इस दो चंपू को मार देता हूँ। एक चंपू तो नीचे गिर गया, वो तो मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। इस चंपू को मारना पड़ेगा, नहीं तो मुझे नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे हमको मार देने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते क्या है। कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या है इसके अंदर? है एक नेम टैग। नेम टैग को भी हम कलेक्ट कर लेते हैं। नेम टैग कलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से थोड़ा आयरन कलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से हम लोग कुछ ब्लॉक कलेक्ट कर ले। ब्लॉक कलेक्ट करते करते हमें यहाँ पे डायमंड की वेन मिल गया। वाह, यहाँ पे मुझे ब्लॉक कलेक्ट करना था ऊपर जाने के लिए। वाह, बहुत बढ़िया हो गया कि हमें बहुत सारा डायमंड भी मिल चुका है। अब इस बहुत सारा डायमंड मिलने के बाद हम लोग यहाँ से एक डायमंड का पिकेक्स बना लेते हैं, क्योंकि हमारा जो पिकेक्स है वो टूट चुका है। चलो फिर से डायमंड के पिकेक्स से फिर डायमंड ही माइन करते हैं। डायमंड माइन कर लिया, अब यहाँ से हम लोग सीधा ऊपर जाएंगे। यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग बाहर निकलते हैं। इस जगह मुझे जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। ओ, हम लोग अपने घर के पीछे ही पीछे से निकल के आ चुके हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहाँ से जाते हैं, और यहाँ पे हमारा एक काम हो चुका है कि डायमंड माइन हमारे लिए एक आर्मर बनाना। अब बाकी है एक एन्चांटिंग टेबल बनाना, और एक है शुगर किन फार्म बनाना। अब हमें वो सब करना पड़ेगा बाय। और यहाँ पे देखो जॉम्बी अटैक, हमारे विलेज के अंदर जॉम्बी अटैक हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग का घमासान युद्ध होगा, जॉम्बी वर्सेस जॉम्बी अटैक, जॉम्बी टीम, जॉम्बी एम्पायर होगा इसको। सॉरी हीरोब्राइन एम्पायर, हीरोब्राइन के चाचा का एम्पायर हो चुका है, एम्पायर करा हुआ है। बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ पे क्रीपर फट गया। अब इस क्रीपर फटने की वजह से हीरोब्राइन का चाचा का जो एम्पायर था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब हम लोग ऑप्सीडियन कलेक्ट करेंगे, ताकि हम लोग वो बना पाए, क्या बोलते हैं उसे, एन्चेंटिंग टेबल बना पाए। यहाँ से अब हम लोग पीक को मार लेते हैं, हमें पीक चाहिए होगा खाने के लिए। अरे मत जा पीक, पीकू दादा डूब कर दादा। यहाँ से अब हम लोग अपना आर्मर बना लेंगे, और सॉरी आर्मर तो बना लिया। वैसे बुक बना लेंगे, बुक बनाने के बाद यहाँ से हम लोग एक एन्चेंटिंग टेबल बना लेंगे। एन्चेंटिंग टेबल, हमारा वीडियो का दो टास्क कंप्लीट हो चुका है। एक है आर्मर बनाना, दूसरा है एन्चेंटिंग टेबल बनाना। अब जो एक टास्क बचता है वो है शुगर किन को फार्म करना, वो हमें करना पड़ेगा। पहले हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, और ऑफ कैमरे के अंदर मैं यहाँ पे 15 बुकशेल्फ लगा के डायमंड आर्मर को कंप्लीट करके
थर्ड नंबर एपिसोड स्टार्ट करूँगा। यहाँ से अब हम लोग कुछ जगह बनाते हैं, क्योंकि मेरे पास शुगर किन था, अब हम लोग यहाँ से शुगर किन फार्म करेंगे। अब देख सकते हो मेरे पास आर्मर हो चुका है, एक डायमंड का सिर्फ पैंटी है, डायमंड का चड्डी। यहाँ से अब हम लोग यहाँ पे शुगर किन लगा दिया है। अब हम लोग को एफ के रहना पड़ेगा ताकि हम लोग बहुत सारा शुगर किन ले पाए। अब मैं अपने पर्सनल चेस्ट के अंदर ये सब चीज़ रख देता हूँ और यहाँ से हम लोग शुगर किन भी कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से अब हम लोग एफ के रहते हैं ताकि शुगर किन हमें बहुत सारा मिले। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 15 बुक शेल्फ लगा देंगे। यहाँ पे हम लोग 15 बुक शेल्फ लगाने का जो जर्नी था वो कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि मैंने जब पिग मारने गया था वहाँ पे मैंने बहुत सारा काउ को मारा था, घोड़ा को मारा था लेदर कलेक्ट करने के लिए, ताकि हम लोग 15 बुक शेल्फ बना पाए और यहाँ पे हम लोग अपना आर्मर को एन्चांट कर पाए। सो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग डायमंड आर्मर के साथ, फुल एन्चांटिंग आर्मर, फुल मैक्स आर्मर के साथ वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून।